अगर उन्होंने देख लिया होगा कि हम उनकी नकल कर रहे हैं तो देखना होगा। चलो चलो निकल लो। दर्शकों इनको गौर से देखिएगा, ये आपको हूबहू वैसे दिखाई पड़ेंगे जैसा हमने आपको दिखाया था। आपको और भी ऐसी बातें मालूम पड़ेंगी। हम सही कह रहे थे, बाय बाय, हम भी आएंगे। Ha 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 ha!
सकती। वकील साहब मैं तो फांसी पे चढ़ा दूंगी। भगवान ये क्या हो गया? बाल के ऊपर कूड़े का भार कैसे बन गया? क्या तुमने शहर भर का कूड़ा यहाँ डलवा दिया? नहीं साहब, मैं ऐसा क्यों करूँगा? मुझे तो मैं वकील से आप नहीं धोना चाहता, मुझे तो अपने बीवी बच्चे प्यारे हैं। तो फिर ऐसा कैसे हो गया? इतने से घर का इतना ज्यादा कूड़ा? इन लोगों ने इतना कूड़ा डाला कि आस पास वालों ने पूरे पार्क को ही कूड़ा डाल समझ लिया। ये एक ही महीने में कूड़े का पहाड़ बन जाता है। क्या तुम रोजाना कूड़ा नहीं हटवाते थे? कैसे हटवाता? पहले दिन जब आया तो देखा कूड़ादान खाली का खाली कूड़ा पार्क में गली में फैला हुआ था। अगर झाड़ू लगवाता तो वहाँ देर हो जाती, फिर मेरी नौकरी भी चले जाती। तुम लोगों को समझाते कि कूड़ादान में कूड़ा डाले? समझाया इंस्पेक्टर साहब, बहुत समझाया, पर किसी की समझ में ना आया। सबने मिलकर मुझे ही धमकाया। तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? कितनी गंदी बदबू आ रही है। हाँ ये तो महामारी की खबर ला रही है। Gracias.